तो फाइनली जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था वो आ चुकी है वीडियो, और आपको आज अनबॉक्सिंग आपकी फिटनेस से रिलेटेड देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। आज हम लीडर BS26T मल्टी स्पीड साइकिल की, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है लीडर साइकिल के अंदर, जिसमें आपको मल्टीपल फीचर देखने के लिए मिलते हैं, वो सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं अनबॉक्सिंग पे। नमस्कार दोस्तों, फाइनली आ चुकी है हमारी लैंड की साइकिल, और आज इसकी अनबॉक्सिंग और सब कुछ आपको डिटेल में मालूम चलने वाला है। लेकिन साइकिल के साथ ही मॉडी कार्ड और ये मोबाइल होल्डर हमने अलग से मंगाया था, जिसकी आपने इंडिविजुअल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे देख ली होगी। तो ये कुछ एंड ये देखने के लिए मिलता है, बट इसका एक्चुअल प्राइस जो इस पर लिखा हुआ है वो 18,999 रुपये लिखा है, बट इससे ये हाफ प्राइस में आती है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो बॉक्स खोलने के बाद कुछ आपको इस तरीके की चीजें दिखाई देती हैं। इस तरीके से पैक कर रखा है पूरी साइकिल को, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये अब आपको एक्चुअली क्लियर दिखाई देगा किस तरीके से बांध बूंद के भेजा साइकिल को। वहाँ पे आपने अनबॉक्सिंग देखी, इसका पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल पे, जहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी और किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। चलते हैं इसके प्रॉपर रिव्यू पे, किस तरीके की ये साइकिल है। नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज हम करने वाले हैं साइकिल का रिव्यू, और इसमें किस तरीके से हमने मल्टी फंक्शनैलिटी यूज़ की है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ये कुछ आपको लुक पास का दिखाई देता है, और आज हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं एक्चुअली, कि आपको डिटेल में बताएंगे। लीडर की साइकिल है और इसमें आपको मल्टी फंक्शनैलिटी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, कुछ नई चीज़ें और नॉर्मल बेसिक सा लुक जो कि नॉर्मल साइकिल का होता है। सबसे पहले आपने मल्टीपल अनबॉक्सिंग देखी होंगी, जैसे कि मोबाइल होल्डर की बात करें या हम बात करें मॉडी कार्ड की। तो ये कुछ चीज़ें हमने एक्सटर्नल लगाई हैं साइकिल के अंदर, क्योंकि रेगुलर यूज़ करना होता है और चलते हुए आराम से म्यूज़िक सुन सके। हेडफोन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिक्कत क्या है कि पीछे की साउंड मालूम नहीं चलती, इसलिए मोबाइल के सॉन्ग सबसे ज़्यादा। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो स्पेशलाइज खरीदी है, वो है इसका गियर सिस्टम, जो कि आपको ये कुछ देखने के लिए मिलता है, और आप ईजिली मल्टीपल टोटल मिला के 7 गिरारी आपको देखने के लिए मिलती है। और आगे के साइड से हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एक लिमिटेड मिलते हैं, फिर वो चैन उतरने का ज़्यादा ख़तरा रहता है। और वैसे भी एक बेसिक आइडिया बताऊं तो आपको मतलब हफ्ते भर या महीने भर बाद सिर्फ पार्टिकुलर एक गियर फिक्स हो जाता है, फिर आप बार बार चेंज नहीं करते, वो शुरू का ही शौक रहता है। फिर आते हैं डिस्क ब्रेक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, लॉन्ग लाइफ यूजेबल हैं और मल्टीपर्पज़ हैं। और आप पीछे के साइड देखेंगे यहाँ पे ये आपको कुछ इस तरीके के डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। और स्टैंड की क्वालिटी की बात करें, सबसे अच्छी बात कि अच्छी प्रॉपर मिलता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगा बोल्ट, कि हर कोई नहीं खोल सकता ऐसे बोल्ट, क्योंकि प्रॉपर एरिंग की चाहिए होती है इसके लिए, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए आप चलाते हुए थोड़ी सी क्वालिटी की बात करूँगा गद्दी की, जो सीट होती है यहाँ पे आप बिल्ड क्वालिटी देखेंगे, लैंडर स्पोर्ट देखने के लिए मिलता है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप इस साइड देखेंगे तो कभी भी मतलब थोड़ा सा मैं इधर देखेंगे एक लॉक मिलता है, कि आप कभी भी किसी हिसाब से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा टाइट है, जैसे मैं ढीला करूँगा तो इसे मैं ऊपर कर सकता हूँ आराम से, तो कितनी भी ऊपर उठा सकता हूँ, कितनी भी नीचे बिल्कुल बॉटम पर रखता हूँ मैं, ज़्यादा ऊपर नहीं रखता, और इसे लॉक कर देंगे तो ये प्रॉपर तरीके से लॉक रहेगी। तो ये कुछ आपको सिस्टम देखने के लिए मिलता है। अब आती है प्राइसिंग की बात, और एक चीज़ बताना भूल गया, चलते चलते प्यास लग जाए तो आप पानी भी पी सकते हैं, जो बोतल 500 ml की मिलती है। तो हमने एक राइड की थी फर्स्ट टाइम,
इस साइकिल से जो अराउंड हमारी 17 किलोमीटर के अराउंड थी, मैं 5 या 6 मिनट लेट स्टार्ट की थी, तो वो 17 किलोमीटर की टोटल राइड थी। गियर सिस्टम दिखा दूं तो ये प्रॉपर तरीके से आपको एल्युमिनियम के मिलते हैं ब्रेक, ये भी, और लेफ्ट वाला भी आपको प्रॉपर मिलता है। गियर डालते इससे हैं तब निकल, मतलब निकालने हो गए तो ऊपर वाले का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे तो ये यहाँ पे ये निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको गियर, और यहाँ से हम डाल देते हैं। तो फिलहाल मैं मैक्सिमम एक ही फर्स्ट गियर पे चलाता हूँ जो कि नॉर्मल साइकिल ही होती है। तो यहाँ पे ये कुछ फंक्शनैलिटी देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं किस प्राइस में पड़ जाती है, तो मुझे तो फिलहाल ये 8,200 रुपये की पड़ी, और इसमें भी कुछ हमें मल्टी फंक्शनैलिटी चीज़ें देखने के लिए मिली, क्योंकि यहाँ पे आप तब लॉन्ग टर्म पेमेंट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको EMI में भी छूट मिल जाती है। तो जिस हिसाब से आपके लिए कंफर्टेबल हो तो उस हिसाब से ख़रीद सकते हैं। टायर की क्वालिटी की बात करूँ या रिम की क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत बढ़िया है, नॉर्मल यूज़फुल है और लंबे टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं। और बात अब आती है ट्रैकिंग की कि किस तरीके से ट्रैक किया जाता है। तो वैसे तो नॉर्मल आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि नॉर्मल आप चलाते भी, इस तरीके का होल्डर खरीद लेते हैं मात्र 200 रुपये का मिलता है, तो फिक्स कर सकते हैं। और साथ में हमारा ये आप जो स्क्रीन वॉच मतलब देख रहे हैं ये सैमसंग की वॉच है, तो इस पर मैं नॉर्मल ट्रैक करता हूँ क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से आपको एक एप्लीकेशन देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से टोटल मिला के ये रिव्यू था। फाइनली आपने रिव्यू देखा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गियर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो फाइनली तब आप कोई भी साइकिल खरीदते हैं गियर सिस्टम वाली, तो सबसे ज़्यादा एक कॉमन चीज़ प्रॉब्लम आती है, वो आती है गियर में। तो यहाँ पे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कंपनी का, क्योंकि फाइनली उन्होंने मुझे एक ट्यूटोरियल भेजा और वहाँ पे मुझे बताया कि गियर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो किस तरीके से ठीक की जा सकती है। बट मुझे एक्चुअली किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई भी ट्यूटोरियल आप डायरेक्टली व्हाट्सअप के द्वारा भी ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप तब गियर सिस्टम देखेंगे तो ऊपर वाला, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे आपको अलग अलग मतलब गियर सिस्टम, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ ये प्रॉपर एक पे आ चुका है, तो सबसे ज़्यादा हल्की आराम से साइकिल चलती है। इसे मैं 1 ट्रिप 2 ट्रिप 3 4 5 6 7 तो ये टोटल मिला के गियर निकल चुके हैं। तो हम सबसे पहले सबसे ऊपर वाले गियर पर जाएंगे और यहाँ पर आप प्रॉपर गियर देखेंगे। अभी मैंने गियर पूरे डाल रखे हैं तो ये अभी ऊपर चढ़ेगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे गियर सिस्टम तो ये आपको प्रॉपर दिखाई देगा। तो एक एक करके गियर उतारेंगे, तो यहाँ पे एक उतार लिया गियर हमने, तो यहाँ पे आप देखेंगे मतलब सेकंड पे आ चुका है, ये थर्ड पे आ चुका है, ये फोर्थ पे आ चुका है, ये फिफ्थ पे आ चुका है, ये 6 पे आ चुका है और ये 7 पे आ चुका है। और ये ऐसे ही, अब इससे ज़्यादा नहीं उतरेंगे, अब ऐसे ही हम चढ़ा के दिखाएंगे आपको। यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड पे पहुँच गए, सेकंड से थर्ड पे पहुँच गए, थर्ड से फोर्थ पे पहुँच गए, फोर्थ से फिफ्थ पे पहुँच गए, फिफ्थ से 6 पे पहुँच गए, 6 से 7 पे पहुँच गए। तो इस तरीके से जो मतलब साइकिल का गियर सिस्टम होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। और भी वीडियो जैसे कि मोबाइल होल्डर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जब आप मतलब कहीं साइकिल लेके जा रहे हैं, तो कभी भी एयरबड्स या हेडफोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमने मोबाइल लगा रखा है तो सॉन्ग तो सुनते हैं, लेकिन कभी भी मैं एयरफोन या एयरबड्स का यूज़ नहीं करता क्योंकि कभी भी पीछे से कोई हॉर्न दे रहा हो तो मालूम नहीं चलता। इसलिए हैंड फ्री करके म्यूज़िक बजाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और क्वालिटी बेस बात करूँ, अराउंड एक हफ्ता हो चुका है मुझे साइकिल कंटिन्यू यूज़ करते हुए, तो वहाँ पर अलग तरीके का एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है जो कि आप देखेंगे साइकिल का वो बेहतरीन है, यूज़फुल है। और ये कुछ प्रॉपर आप साइकिल देखने के लिए मिलती है विथ फैसिलिटी। डिस्क ब्रेक आगे पीछे बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, मतलब मैं बैठने के बाद भी टायर को पूरा जाम कर सकता हूँ। तो इस तरीके का यूज़फुल मुझे, और आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो बात की जाए तो कंपनी भी आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, इक्विपमेंट से रिलेटेड होगा कुछ भी तो आप इजीली ऑनलाइन भी डायरेक्टली मंगा सकते हैं उनके द्वारा। तो फाइनली आपने गियर सिस्टम भी देखा किस तरीके से साइकिल का वर्क करता है। बट
अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि साइकिल तो आप कितनी भी मल्टी फंक्शनैलिटी की ले लीजिए, तब तक आप टेक्नोलॉजी के साथ वर्क नहीं करते तब तक वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। जैसे कि मेरी स्मार्ट वॉच है, इसकी मैं शॉर्ट रेगुलर वीडियो लेके आता रहूँगा। तो आप चैनल पे, आप फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे तब मैं रूटीन रोज का बनाता हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ नया क्रिएटिव करने की ज़रूरत होती है कि मैं कितने किलोमीटर पर आर की स्पीड से या पर किलोमीटर चला रहा हूँ पर डे, मुझे मालूम चलना चाहिए। मैं एक डेढ़ घंटा साइकिल पे बिता रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं कि मैं कि दो तीन किलोमीटर ही चला रहा हूँ। तो वहाँ पे सब कुछ मेजर करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे एलिवेशन की कितना ऊपर चढ़ा कितना नीचे चला, मैक्सिमम स्पीड क्या थी, मेरा हार्ट रेट क्या था, सब कुछ डिटेल में आपको देखने के लिए मिलता है बाया स्मार्ट वॉच। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन जैसे कि गूगल फिट एप्लीकेशन आती है या सैमसंग की हेल्थ एप्लीकेशन देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मल्टी फंक्शनैलिटी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। मगर हार्ट रेट की बात करी जाए तो वो सिर्फ वॉच से ही पॉसिबल है। लेकिन बात की जाए तो अलग अलग थोड़ी सी और ट्रैकिंग एप्लीकेशन आती है कि आपने कौन सा रूट चूज़ किया था, जो कि आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैं पर डे मूव करता हूँ तो वहाँ पे कितने किलोमीटर, डायरेक्टली वॉच भी मुझे इंडिकेट करती है कि कितने किलोमीटर, कितना मैंने वेट कंट्रोल किया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे वेट से रिलेटेड ही है। तो वहाँ पे तब मैं साइकिल चला रहा हूँ तो मुझे सारी फैसिलिटी वॉच भी देखने के लिए मिल जाती है। तो आपके पास स्मार्ट वॉच है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब आप मल्टी फंक्शनैलिटी साइकिल ले रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन तो कैरी कीजिएगा, इसलिए मैंने मोबाइल होल्डर भी आपको दिखाया वीडियो के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। साइकिल से पहले मुझे ज़रूर, मैंने पहले मोबाइल होल्डर ख़रीद लिया था कि साइकिल लेनी है तो वहाँ पे मोबाइल लगा के, क्योंकि एयरफोन लगा के चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो मैंने वीडियो में आपको बता ही दिया। तो ये कुछ फंक्शनैलिटी होती हैं, तब आप साइकिल यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सअप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप वहाँ पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ रिलेटेड पूछना हो तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। बाकी बात करें कि साइकिल है मल्टी फंक्शनैलिटी के साथ आती है, लुक भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है, इंस्टॉलेशन भी कुछ खास नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। गियर सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। हैंडल कंट्रोल की बात करी जाए तो बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ, क्योंकि डिस्क ब्रेक वाला लिए हमने तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा, मतलब चलती साइकिल पे मैं बैक ब्रेक मारता हूँ तो टायर जाम हो जाता है, जो कि हर किसी साइकिल में आपको देखने के लिए मिलता है। गियर सिस्टम मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ रेगुलर, अराउंड मुझे दो हफ्ते के करीब हो गया है मैं कंटिन्यू गियर सिस्टम यूज़ करता रहता हूँ। तो आप वहाँ पे खुद महसूस कर सकते हैं कि मुझे किसी भी तरीके की चैन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था कि किसी भी तरीके से कुछ हो जाए लेकिन गियर सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो वही चीज़ मुझे देखने के लिए मिलती है साइकिल में। लेकिन टोटल एवरेज व्यू की बात करी जाए तो बहुत अच्छा, एक डिसीजन लेते हुए ऑनलाइन खरीदते हुए थोड़ा सा डर लग रहा था, फ्लिपकार्ट पे ख़रीदी थी मैंने, जो ये मुझे पड़ी है वो 8000 की पड़ी है। इसके बॉडी गार्ड मैंने अलग से परचेस किया था जो कि 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे, तो 8200 रुपये की मुझे साइकिल पड़ी। लेकिन एक डर था कि इतनी मल्टी फंक्शनैलिटी साइकिल लेने का कुछ फ़ायदा मिलेगा, पानी की बोतल बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है, हमेशा पानी की बोतल वाली ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि चलाते हुए प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इत्तेफाक रास्ते में प्याऊ भी मिल जाते हैं मुझे, तो मैं ठंडा पानी रिफ़िल करता रहता हूँ। तो वहाँ पर डर था कि क्या वो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो कम्प्लीट कर पाएगी, तो बहुत ही अच्छी तरीके से साइकिल ने कम्प्लीट किया। आने मतलब कुछ टाइम के बाद भी रेगुलर वीडियो लेके आते रहेंगे साइकिल से रिलेटेड, और इसमें मैं क्या कुछ नई चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ वो भी आपको मालूम चलता रहेगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।